जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तम ए ज़मां पहलवान का नाम ना सुना हो। गामा पहलवान भारत में एक अविश्वसनीय मिसाल बन चुके हैं। शारीरिक ताकत के लिए जिस प्रकार आजकल दारा सिंह की मिसाल दी जाती है, इसी प्रकार कुछ समय पहले तक गामा पहलवान का नाम लिया जाता था। 15 अक्टूबर 1990 को गामा को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया। अपने पहलवानी के दौर में गामा की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय हैं कि साधारणतः लोगों को विश्वास नहीं होता कि गामा पहलवान वास्तव में हुए हैं। उपाधियां। गामा को शेर पंजाब, रुस्तम ए ज़मां और द ग्रेट गामा जैसी उपाधियां दी गईं। गामा विश्व के एकमात्र पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी। गामा ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान बना तो गामा पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के बड़े नेता नवाज शरीफ की शादी गामा पहलवान के भाई की नातिन कुलसुम बट से हुई है। प्रारंभिक जीवन। गामा का जन्म एवं कुश्ती प्रेमी मुस्लिम परिवार में 1880 में हुआ। अमृतसर पंजाब में पैदा हुए गामा कश्मीरी बट परिवार के पहलवान मोहम्मद अजीज के पुत्र थे। उनका जन्म का नाम गुलाम मोहम्मद था। उनकी रग रग में कुश्ती का खेल समाया हुआ था। गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने शुरू शुरू में कुश्ती के दांव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखने शुरू किए। दतिया के महाराजा भवानी सिंह ने गामा और उनके छोटे भाई इमाम बख्श को पहलवानी करने की सुविधाएं प्रदान की। 10 वर्ष की उम्र में ही गामा ने जोधपुर राजस्थान में कई पहलवानों के बीच शारीरिक कसरत के प्रदर्शन में भाग लिया और महाराजा जोधपुर ने गामा को उनकी अद्भुत शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए पुरस्कृत किया। कुश्ती के दौर। 19 साल के गामा ने तत्कालीन भारत विजेता पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला को चुनौती दे डाली। रहीम बख्श गुजरांवाला पंजाब का रहने वाला कश्मीरी बट जाति का ही था। कहते हैं रहीम बख्श की लंबाई 7 फीट थी। गामा में शक्ति और फुर्ती अद्वितीय थी, लेकिन गामा की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। रहीम बख्श अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका था और अपनी पहलवानी के अंतिम समय की कुश्तियां लड़ रहा था। रहीम बख्श की उम्र का अधिक होना गामा के पक्ष में जाता था। ऐतिहासिक कुश्ती। भारत में हुई कुश्तियों में ये कुश्ती ऐतिहासिक कुश्ती के रूप में जानी जाती है, जो घंटों तक चली और अंत में बराबर छूटी। अगली बार जब गामा और रहीम बख्श की कुश्ती हुई तो गामा ने रहीम बख्श को हरा दिया था, लेकिन गामा की नाक से खून बहने लगा था और एक कान भी जख्मी हो गया था। रहीम बख्श से अंतिम कुश्ती। रहीम बख्श को गामा ने अपने पहलवानी और कुश्ती के दौर का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी माना। इंग्लैंड से लौटने के बाद गामा और रहीम बख्श की कुश्ती इलाहाबाद में हुई। ये कुश्ती भी काफी देर चली और गामा ने इस कुश्ती को जीतकर रुस्तम ए हिंद का खिताब जीता था।